हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वॉफ्ट चैनल में। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा बाइनेंस के ऊपर लॉन्च पूल्स आते रहते हैं और अभी भी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लॉन्च पूल आया है जिससे हमें क्या कि फार्मिंग करके काफ़ी सारे फ्री में कॉइन्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी BNB पड़े या फिर कोई भी स्टेबल कॉइन्स पड़े हैं, उन्हीं को आप स्टेक करके यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं और उसके बदले में आपको रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो ये जो लॉन्च पूल का प्रोजेक्ट है, ये 4 दिन के लिए आया था, लेकिन अभी लगभग 2-2.5 दिन की फार्मिंग अभी भी पड़ी है, यानी कि आप फार्मिंग अभी भी कर सकते हो और आपको यहाँ पे काफी सारे फ्री में कॉइन्स मिल सकते हैं। इससे पहले अगर हम पिछली एग्जाम्पल है तो एवो कॉइन आया था, एवो का फार्मिंग आया था यहाँ पे, लॉन्च पूल आया था बाइनेंस के ऊपर ही, जिसके ऊपर हमने बहुत अच्छी अर्निंग करी एंड वैसे भी मार्केट बहुत ही चल रही है, जिसकी वजह से क्या है कि कॉइन्स भी अच्छे मिले और कॉइन्स की वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर गई थी। तो सिमिलरली हम एक और बड़ा प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं इस नए लॉन्च पूल के द्वारा, इस नई फार्मिंग के द्वारा। लेकिन उससे पहले आपके पास एक चीज़ होनी जरूरी है, वो है बाइनेंस का अकाउंट। बाइनेंस अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाइनेंस के ऊपर साइन अप कीजिए। अगर ऐप नहीं हो रहा है तो सीधा वेबसाइट के लिंक के ऊपर आप जाओगे, जो भी लिंक होगा लिंक से ही आपका साइन अप हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे आपको ऐसे नए से नए बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो का अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ्ट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के ऊपर चले जाओगे हमारे चैनल में। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो पिछले आपने अगर लॉन्च पूल्स या लॉन्च पैड्स के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स आए हैं अगर आपने मिस किए हैं, तो अभी समय कि अभी कोई भी प्रोजेक्ट मिस मत करो, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ स्टेक कर रहे हैं और स्टेक के बदले में हमें इतने अच्छे कॉइन्स मिल रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन एक्सपेंसेस के बिना ही हमें यहाँ पे कॉइन्स मिल जाते हैं। तो 4 दिन का लॉन्च पूल है, लेकिन अभी बचे हैं 2-2.5 दिन, तो इसको हमने यूज़ करना है एनी हाउ। तो यहाँ पे जो FDSD पूल है, इसमें जो टोटल रिवॉर्ड रखे गए हैं 4 मिलियन ETH5 के रखे गए हैं, और जो BNB पूल है इसमें 16 मिलियन ETH5 रखे गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ETH5 प्रोजेक्ट है, Ether.5 के नाम से इनका एक डोमेन है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट ही खुद में ही एक डिफाई है, जिसके ऊपर यहाँ पे लिखा है सीमलेस स्टेकिंग एफर्टलेस अर्निंग्स, यानी कि यहाँ पे स्टेकिंग करके अर्निंग करी जा रही है। ऑलरेडी लगभग $3 बिलियन का अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी स्टेक हो चुका है, जिसके बनते हैं 816,000 इथेरियम, यानी कि लगभग 8.25 लाख इथेरियम यहाँ पे स्टेक किए गए, जिसके ऊपर यहाँ पे जो APR मिल रहा है 3.65% मिल रहा है, और इसी के ऊपर TBD परसेंटेज मिल रहा है, रीस्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंट्स रखे गए हैं जो कि स्टे करने पर मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं, यानी कि इनके मेन वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे आप इथेरियम स्टे करते हो, आपको ETH मिल जाते हैं, जिनको आप नेटिवली रीस्टे कर देते हो। रीस्टे करने से क्या कि आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये टोटली DeFi प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत ही एडवांस प्रोजेक्ट है, जिसके ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑडिट्स हो चुके हैं, चाहे सर्टिक की बात करें, ओमनिस्किया की बात करें, नेदरमाइंड की बात करें, सॉलिडिफाइड की, तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, यानी कि काफ़ी सिक्योर प्रोजेक्ट है। लेकिन ये और भी ज़्यादा सिक्योर तब हो जाता है जब ये बाइनेंस के ऊपर आता है, यानी कि इसकी जो फार्मिंग चल रही है वही बाइनेंस के ऊपर, और इसकी जो लिस्टिंग है वो भी बाइनेंस के ऊपर ही होने वाली है। तो बाइनेंस के ऊपर जाने से पहले आप देखोगे कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हम सर्च करते हैं अगर ETH5 या फिर Ether.5, तो ये सर्च करने पर यहाँ पे दिख रही है $0 की वैल्यू दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी लिस्टिंग डायरेक्टली किस पे होगी, वो है बाइनेंस के ऊपर। तो यहाँ पे प्राइस को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। तो ETH5 की जो लिस्टिंग है काफ़ी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर सडनली आने वाली है, लेकिन मेन बात यह है कि बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग भी आने वाली है, चाहे ये OKX के ऊपर भी आ रहा है और भी काफ़ी एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहा है, लेकिन अगर बाइनेंस का नाम जुड़ जाता है तो उससे क्या कि प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी, जो अभी $0 दिख रही है, ये वैल्यू तभी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी जब बाइनेंस के ऊपर ये लिस्ट होगा। लेकिन लिस्ट होने से पहले आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पे जो फार्मिंग चल रही है, फार्मिंग से क्या है कि लिस्टिंग होने से पहले, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग होने से पहले आपको ETH5 पहले ही मिल जाएगा, और ये कॉइन्स ऑलरेडी आपके डायरेक्टली वॉलेट में जाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ FDSD पूल का, तो FDSD पूल में मेरे यहाँ पे लगभग 4 ETH5 बन चुके हैं, और भी यहाँ पे अनक्लेम्ड रिवॉर्ड्स भी बने हैं, यानी कि लगातार यहाँ पे अर्निंग्स चलती जा रही हैं। अगर हम यहाँ पे BNB पूल का देखें तो यहाँ भी ऑलमोस्ट 4 ETH5 बने हैं। अब इतने कम बने हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो टोटल रिवॉर्ड्स की क्वांटिटी है वो भी कम है, और क्वांटिटी जब भी कम होती है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, यानी कि जैसी लिस्टिंग होगी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। तो आपके पास कहीं भी अगर BNBs पड़े हैं या फिर कोई भी स्टेबल कॉइन पड़े हैं, उनको आपने क्या करना है कि बाइनेंस के ऊपर लेकर आना है। तो बाइनेंस मेरे हिसाब से टोटली सेफ एंड सिक्योर है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रही है, लेकिन मैं अभी भी बाइनेंस ही यूज़ करता हूँ, मेरा मोस्ट प्रेफर्ड एक्सचेंज बाइनेंस ही रहते हैं। तो आप साइन अप जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर है तो आपने क्या करना है कि BNB और FDSD यहाँ पे रखने हैं, कोई और स्टेबल कॉइन है तो उसको FDSD में कन्वर्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको स्टेक का ऑप्शन मिलेगा। स्टेक के ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पे जितने FDSD हैं या फिर जितने BNB हैं उनको स्टेक कर सकते हैं, चाहे आप मैक्सिमम कर दें, चाहे आप जितने चाहें उतने कर सकते हैं, चाहे आप लिमिटेड क्वांटिटी कर सकते हैं।
करते हैं। स्टे करके क्या कि आपके जो रिवॉर्ड्स हैं बनने शुरू हो जाते हैं, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपना यहाँ पे जो स्टेक्ड अमाउंट है, चाहे वो FTSD या BNB है, उसको कभी भी रिडीम भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सडनली जरूरत पड़ती है आपको स्पॉट वॉलेट में यही कॉइंट्स चाहिए, तो आप रिडीम के ऊपर क्लिक करते ही इन पूरे के पूरे अमाउंट को स्पॉट वॉलेट में ले जा सकते हो और उनको चाहे फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये एक मेन फायदा है कि आप कभी भी स्टे कर सकते हो, कभी भी रिडीम कर सकते हो, जितना चाहे उतना अमाउंट कर सकते हो, चाहे कुछ रेशो में कर सकते हो, परसेंटेज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ जो रिवॉर्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स अपने आप यहाँ पे बनते जाएंगे, आपके हाथ में है, आप चाहे क्लेम करना चाहे तो साथ साथ क्लेम कर सकते हैं, या फिर ये अपने आप आपके स्पॉट वॉलेट में जाते जाएंगे। और जिस दिन यहाँ पे लॉन्च पूल एंड हो जाएगा, लॉन्च पूल एंड होने पर क्या है कि जो भी आपका अमाउंट स्टेक्ड है ये रिडीम होकर अपने आप आपके स्पॉट वॉलेट में चला जाएगा, चाहे ये स्टेबल कॉइन है चाहे BNB है, तो वहाँ पे चला जाएगा। और इसी के साथ साथ जो आपके रिवॉर्ड्स बनते हैं ये भी डायरेक्टली आपके स्पॉट वॉलेट में चले जाएंगे, यानी कि आपको ये मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। मैनुअली नहीं भी करते हो तब भी आपका चल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि पिछली बार जो एवो कॉइन आया था, एवो कॉइन की लिस्टिंग पहले फ्यूचर्स में हुए थे, फ्यूचर्स में बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर्स में, जिससे क्या कि स्पॉट वॉलेट में लिस्टिंग होने से पहले हमारे पास ऑप्शन था कि हम एवो कॉइन्स को ट्रेड कर सकें, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकें और उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर सकें। सिमिलरली देर आर चांसेस कि ETH5 का भी ऐसा ही हो जाए, अगर नहीं भी होता है तो स्पॉट वॉलेट में आएगा और इसकी जब लिस्टिंग होगी तो सडनली इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। तो ETH5 के ऊपर खास ध्यान देना। एंड आपको बता ही दिया, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, स्टेक करना है, कभी भी रिडीम कर लो और जो रिवॉर्ड्स बन रहे हैं उनको क्लेम करते रहो, और जैसी लिस्टिंग हो जाएगी आप ट्रेडिंग भी कर पाओगे। तो ये हमारा ETH5 प्रोजेक्ट जो बाइनेंस के ऊपर आया है। तो ये अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जैसे ही बाइनेंस खोलोगे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे भी आप लॉन्च पूल सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको सामने कहीं पे लॉन्च पैड दिख रहा है उसके ऊपर भी क्लिक करते हैं तब भी आपको ये मिल जाएगा। वरना जब आप बाइनेंस खोलते हैं यहाँ पे कुछ बैनर्स आपको दिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहला बैनर मुझे यही दिख रहा है जिसके ऊपर ETH5 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप क्लिक करते हो तब भी आपका ये लॉन्च पूल खुल जाएगा। तो ऐसे लॉन्च पूल प्रोजेक्ट्स जब भी आते हैं आपने कभी भी मिस नहीं करने, क्योंकि इन दिनों में तो खासकर जितने भी कॉइन्स आपको मिलते हैं 2, 4, 5 या फिर अगर 20-50 कॉइन्स भी मिल जाते हैं तो उनको ट्रेड करो और अच्छा प्रॉफिट अर्न करो, ये टोटली फ्री में होता है लॉन्च पूल। लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट है लॉन्च पूल को लेकर, या फिर इस ETH5 प्रोजेक्ट को लेकर, या फिर बाइनेंस को लेकर, या किसी भी एक्सचेंज या किसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो नीचे कमेंट जरूर करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर जरूर करूंगा। एंड हाँ, जो इसकी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ आपको यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर तभी दिखेंगी जैसे ही बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है। और अगर आपके पास किसी और एक्सचेंज के ऊपर भी कॉइन होगा तो उसका प्राइस पंप डेफिनेटली करने वाला है, क्योंकि लिस्टिंग बाइनेंस के ऊपर ही होगी सबसे पहले। तो ये सारी अपडेट्स मैं आपके साथ साथ के साथ शेयर करने वाला हूँ हमारे टेलीग्राम के ऊपर ही। तो वॉल्फ्ट ऑफिशियल हमेशा ज्वाइन करके रखो, इसलिए बार बार कहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अपडेट मैं पहले डालता हूँ। तो पिछले हमारे जितने भी लॉन्च पूल्स आए थे आप हमारे लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, मैंने हर एक लॉन्च पूल को कवर किया है, जैसे कि पिक्सल आया था, उससे पहले AI आया था, XAI आया था, काफ़ी सारे कॉइन्स आए थे। तो बेयर मार्केट में भी उन्हीं कॉइन्स ने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है बिना ट्रेडिंग के, बिना कुछ किए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।